हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेपर फर्स्ट में आईसीटी का जो टॉपिक है उसके बारे में। उसके अंदर ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं और कौन से टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों अगर हमें नेट क्वालिफाई करना है तो हमें इसकी स्ट्रेटजी को समझना पड़ेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनके जो एग्ज़ामिनर हैं उसके माइंड को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं। देखिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं नवंबर 2017 के क्वेश्चन पेपर से, जिससे आप अच्छे से समझ सकें। अब देखिए इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ था कि 1 अरब बिलियन करेक्टर किसके इक्वल टू होता है। तो हम सभी को पता है कि ये 1 GB के इक्वल टू होता है, 1 GB के। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन पहले कब पूछा गया है। ठीक है, जिससे आपको अच्छे से यकीन आ जाए और आपको विश्वास हो जाए। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए ये सितंबर 2016 के अंदर क्वेश्चन आया था, GB से रिलेटेड ही आया था। ये देखिए 1 GB 2 की पावर 30 के इक्वल होता है। ठीक है, तो 1024 TB किसके इक्वल टू होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब मैं आपको और भी दिखा रहा हूँ जो पहले पूछे गए हैं इसी से रिलेटेड। अब देखिए इसके अंदर ये दिखा रहा हूँ, ये जून 2015 के अंदर क्वेश्चन आया है कि 1 अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व करती है। अब फिर इसके अंदर जो आंसर आया है दोस्तों वो आया गीगाबाइट आया है। ठीक है, और भी मैं आपको दिखाता हूँ जीबी से रिलेटेड और क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं पेपर के अंदर। अब ये देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2012, इसके अंदर फिर से पूछा गया है कि 1 GB निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। ठीक है, 1024 MW के इक्वल टू होता है। ठीक है, और देखिए मैं आपको और भी दिखा रहा हूँ जो KB, MB, GB और TB से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं पहले। अब ये देखिए दिसंबर 2015 के अंदर क्वेश्चन नंबर 45 आया है, 1 कंप्यूटर में 1 W इक्वल टू होता है किसके, ये सभी इसने बताया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो GB से रिलेटेड है, KB, MB इनसे क्वेश्चन है बार बार रिपीट हो रहे हैं। और एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि इनको जो सभी की जो मेमोरी, इनका लिखने का स्टाइल हर बार थोड़ा चेंज कर रहे हैं। ठीक है, कहीं पे 2 की पावर बूझ रहे हैं कि कहीं पे मिलियन में बूझ रहे हैं, कहीं पे अरब में बूझ रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी हमें पता होना चाहिए कि हम 1 GB को किस तरह से कितने स्टाइल के अंदर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 KB है, KB को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 की पावर 10 भी लिख सकते हैं, 1024 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये स्टाइल दिए हुए हैं, सभी के सभी स्टाइल यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि MB को लिख सकते हैं 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम एनालाइज करके पता कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं हम, ICT में कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। अब देखिए अब मैं शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन पेपर 2012 से शुरुआत करता हूँ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर 2012 के अंदर जो क्वेश्चन आया है ASCII की फुल फॉर्म इन्होंने बूझी हुई है। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए दिसंबर 2012 में इन्होंने बूझा हुआ है, ALU की फुल फॉर्म बूझी हुई है। ठीक है, आगे फिर चलते हैं, इसके अंदर जून 2013 में WWW की फुल फॉर्म इन्होंने बूझी हुई है। उसके बाद फिर चलते हैं हम जून 2014 में FTP की इन्होंने फुल फॉर्म बूझी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी बार जो फुल फॉर्म है वो बूझ रहे हैं बार बार। ये देखिए CSS की बूझ रखी है इन्होंने, MOOC की बूझ रखी है। ठीक है, और उसके बाद में जैसे हम डायरेक्टली आ जाते हैं, और एक चीज़ और देखिए दोस्तों, ये जुलाई 2016 के अंदर इन्होंने पूछा हुआ है
ASCII, यानी कि ASCII, इसकी जो फुल फॉर्म है पहले भी बूझी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इन्होंने बूझी हुई थी, स्टार्टिंग के अंदर ही बूझी हुई थी। ये देखिए दोस्तों, ASCII ये बूझी हुई है इन्होंने, ठीक है। ये दिसंबर सॉरी ये जून 2012 में बूझी हुई थी, और यही फिर दोबारा से रिपीट हो गई है यहाँ पे। ये देखिए जुलाई 2016 में दोबारा रिपीट हो गई यही फुल फॉर्म। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसको क्वेश्चन को काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा करके लिखा गया है, लेकिन इसने इसका जो कहने का मतलब वो केवल इसकी फुल फॉर्म बूझ रहा है इसके अंदर, ठीक है। और अब हम बात करते हैं 2017 के क्वेश्चन पेपर की। इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर भी बूझी हुई है। देखिए नवम्बर 2017 के अंदर USB की फुल फॉर्म बूझी हुई है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है दोस्तों कि फुल फॉर्म करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि हर क्वेश्चन पेपर में बूझते हैं, हर बार बूझते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको ये PDF चाहिए और पेपर फर्स्ट से रिलेटेड जितने भी अपने टॉपिक है, विषय हैं, उन सभी के मैंने इस तरह से PDF बना रखी है। तो अगर आपको वो PDF चाहिए तो आप ले सकते हैं, और उसके मैं आपको बता दूँ कुछ कॉस्ट हो सकती है, क्योंकि मैंने इन पे काफ़ी मेहनत की है। तो इस तरह की PDF को आप एनालाइज़ करके आप देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट हो रहे हैं, उन सभी क्वेश्चन को आप पक्का करके अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं पेपर फर्स्ट के अंदर, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो बार बार रिपीट होता है। अब देखिए इसके अंदर हम बात करते हैं, ये इंटरनेट के बारे में बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, डोमेन में किसे अनुलाभकारी व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ देख सकते हैं आप ये इंटरनेट से रिलेटेड है, ठीक है। और हम पहले देखते हैं कि पहले किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी से रिलेटेड। अब ये देखिए ये सितंबर 2016 में दो क्वेश्चन आए हैं इंटरनेट से रिलेटेड, वेब के माध्यम से पड़ताल करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। और फिर 38 का हो गया ईमेल से संबंधित हो गया, ठीक है। और फिर आगे हम देखते हैं जुलाई 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है ईमेल का, फिर इन्होंने पूछ लिया, ठीक है दोस्तों, ईमेल से रिलेटेड। और अब बात करते हैं हम दिसंबर 2015 में, ये इन्होंने इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन के बारे में पूछ लिया, ठीक है। और फिर इन्होंने ये पूछ लिया कि एक ही पत्र को MS वर्ड में विभिन्न व्यक्ति को भेजने में समर्थ बनाता है, तो ये मेल मर्ज होता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इंटरनेट से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जून 2015 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा, निशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, यही क्वेश्चन बाद में भी रिपीट हुआ है, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप देखिए ध्यान से देखिए, दिसंबर 2015 में पूछा हुआ है इन्होंने, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पूछा हुआ है, ठीक है। और अब बात करते हैं हम जून 2015 में, इसमें से निशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कि ये दोनों के दोनों एक ही क्वेश्चन है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं दोस्तों कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। अब देखिए दिसंबर 2014 में इन्होंने पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो इस तरह से हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अपने पेपर फर्स्ट की और अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह से अच्छे से पता कर सकते हैं कि पेपर फर्स्ट में किस विषय से कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। और अगर आपको ये PDF चाहिए पेपर फर्स्ट से रिलेटेड, मैंने सभी विषय से रिलेटेड जो PDF है अलग अलग बना रखी है सेपरेट, इस तरह से 2012 से लेकर 17 तक जो जो क्वेश्चन आए हैं उनकी अलग अलग से PDF बना रखी है। अगर आपको वो PDF लेनी है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है फेसबुक का, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इन PDF की कुछ कॉस्ट हो सकती है,
और दोस्तों आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।